आज मेरे थिएटर में पीपल पर लाइक यार ब्राइटनेस बढ़ा दो यार, ब्राइटनेस बढ़ा दो। अरे वो हॉल वाले भाई ब्राइटनेस बढ़ा दो। मतलब मूवी का जो फर्स्ट हाफ था वो इतना डार्क था तो लोगों को कहना पड़ गया भाई ब्राइटनेस बढ़ा दो, कुछ नहीं दिख रहा था। लाइक द फर्स्ट हाफ वॉज लिटिल बिट डार्कर ऑन द स्क्रीन, द इट वॉज नॉट ब्राइट एंड ऑल। सबकी परफॉर्मेंस वॉज वेरी ऑसम, लाइक द फीमेल कास्ट वॉज किक ऐस। हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स योर बॉय। और साल का वो समय आ गया है जब आपका भैया स्वेटर पहन के मूवी देखने जाता है थिएटर में। यस इट्स नवंबर एंड इट्स टाइम फॉर नवंबर मूवीज। मेरी बहुत यादें जुड़ी होती है नवंबर मूवीज से। यू नो हम सब अपने गर्म कपड़े निकाल के थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। एंड यू नो द लास्ट मूवी विच आई सॉ इन नवंबर कुछ साल पहले विच वॉज हंगर गेम्स बैक इन माई होम टाउन। और आज मैंने वकांडा फॉर एवर देखी इन माई होम टाउन एंड आई लव्ड इट। आई कांट इवन टेल यू व्हेन आई वॉच मूवीज इन माई होम टाउन एंड स्पेशली दीज हॉलीवुड मूवीज विच आई गो फॉर हिंदी डब्ड शोज, जो क्राउड आया रहता है ना, इट्स सो क्रेजी एंड वी ऑल हैव अ वेरी गुड टाइम। मजा आ गया भाई। मतलब मुम्बाकू, मुम्बाकू का नाम मुम्बाकू नहीं, लोग तमाकू प्रोनाउंस कर रहे थे। कुछ ऐसे सीन थे इस मूवी में जहाँ पे जो दूसरी पानी के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी भाषा अलग है। पूरे मूवी में दे आर नॉट स्पीकिंग हिंदी, नाइदर दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। सो मेरे साथ जो ऑडियंस बैठी थी वो कह रही है अमे यार कौनो कौन कौन से बोर्ड से पढ़ के आए रहे रे, कुछ समझो नहीं आ रहा है। बीच में लोग जोक्स मार रहे थे लाइक आवा नहीं तो जावा, यू नो इट्स लाइक अबे मेरे आका तुमको माहौल देखना चाहिए था। सो हिंदी डबिंग में कुछ बीच बीच में शायरिया भी, शेरो शायरिया भी कर रहे थे कैरेक्टर्स वाकांडा फॉरएवर के। लाइक बदले की आग हमें खा गई पर हम अपने लोगों को उसमें झुलसने नहीं देंगे। एंड एक सीन है जहाँ पे शूरी का एक एक डायलॉग है कि मौत तो खामखा बनना हमें, असली दर्द तो जिंदगी देती है। उस डायलॉग में पीपल वर लाइक वाह 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 वाह। मार्वल ने ट्रिब्यूट दिया चैडविक बोजमैन को स्टार्टिंग में ही। जो मार्वल का आज लोगो था वो पूरा चैडविक बोजमैन पे था और मूवी के एंड पे भी। बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू आई बी रियली ग्लैड लाइक ऑलवेज एंड ऑल यूट्यूबर्स ऑफ द वर्ल्ड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो वकांडा फॉर एवर में दिखाया कि चैडविक बोजमैन जो है वो एक बीमारी से मर गया है और अब वकांडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली शूरी पे आ गई है और शूरी की मम्मी पे आ गई है जो कि वकांडा की क्वीन है। एंड यू नो अदर साइड कैरेक्टर्स है लाइक ओके नाकिया। सो इन सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। हंट फॉर वाइब्रेनियम लाइक इन एवरी पार्ट। इसमें भी वाइब्रेनियम, दुनिया के लोग वाइब्रेनियम खोज रहे हैं और उसको निकालना चाहते हैं। सो वाइब्रेनियम का एक पार्ट वाटर के अंदर भी पाया गया है और वहां पे जब लोग यूएस आर्मी के लोग जब उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो वाटर बॉडीज के लोग उन पे अटैक कर देते हैं। सो बेसिकली उनकी डिमांड ये है वकांडा से, या तो वकांडा उनकी मदद करे टू प्रोटेक्ट देयर प्लेस। बट उसका जो जो राजा है न्यूमोर उसके कुछ इविल इंटेंशंस है, ही वांट्स टू कॉन्कर द वर्ल्ड। सो जब वकांडा के लोगों को या फिर शूरी को उसके इंटेंशन पता चल जाते हैं तो वो उनको रोकते हैं। और क्या वो अपने मकसद में कामयाब होंगे, नेमोर का पर्दाफाश करने में क्या वो कामयाब हो पाएंगे कि नहीं, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले मूवी की अच्छाई, मेरे पास पॉजिटिव एस्पेक्ट से ज्यादा इस मूवी के नेगेटिव एस्पेक्ट है। आई थिंक मूवी बहुत ही स्टाइलिश थी एंड एज ब्लैक पैंथर मूवीज, और मूवी का साउंड ट्रैक ओके था, डायरेक्शन भी ओके था। एंड एंजेला बेसेट के हर सीन में कपड़े बदल रहे थे, बहुत ही फैशनेबल लग रही थी और हर सीन में उनके कपड़े और क्लोथ्स एंड हैट्स एंड एवरीथिंग वाज गेटिंग चेंज्ड। अब मैं इस मूवी के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट बताऊंगा कि देखो सबसे पहली बात, क्योंकि ये मूवी काफ़ी हद तक वाटर बॉडीज के ऊपर थी, यू नो द वाटर क्रीचर्स एंड ऑल, ऑटोमेटिकली कंपेरिजन आ जाता है एक्वामैन से। सो मैं इसको डीसी की एक्वामैन से कंपेयर कर रहा था एंड द वे द वाटर किंगडम जो दिखाया इस मूवी में वो कुछ इतना खास नहीं था, उसको काफ़ी डार्क दिखाया गया है। तो उसका जो वाटर किंगडम इस मूवी में दिखाया गया है नेमोर का वो कुछ उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता और काफी यू नो क्लाउडी लग रहा था, काफी लेस ब्राइट लग रहा था। एंड आई थिंक पूरी मूवी शूरी के कंधे पे है। शूरी जो कि पिछली मूवी में एक साइड कैरेक्टर थी बट इस पूरी मूवी का भार शूरी के कंधों पे है एंड शूरी बहुत कोशिश करती है उस भार को अच्छे से निभाने पे। बट आई थिंक बाकी सारे कैरेक्टर्स को भी उतना और स्ट्रॉन्ग लगना चाहिए था। पूरी मूवी शूरी पे ही फोकस थी बेसिकली, बिकॉज अब शूरी ही लाइमलाइट में है आफ्टर टीचालास डेथ। डेफिनेटली आप ब्लैक पैंथर 1 के साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये मूवी काफी स्लो थी। लाइक द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मूवी वॉज वेरी स्लो एंड वेरी ड्रैग, बिल्डअप होने में टाइम लगा। सेकेंड हाफ में भी ये स्पीड पकड़ती है पर कुछ कुछ पॉइंट पे ये गिर जा रही थी। सो आई डोंट नो वाई
इट वॉज हैपनिंग. साउंड ट्रैक ऑफ पार्ट वन वॉज वे मच बेटर देन दिस मूवी. इस मूवी का साउंड ट्रैक कुछ उतना खास नहीं है. स्पेशली एक सॉन्ग बहुत मेरे को स्टैंड आउट लगा, द सीन वेयर शूरी इज एक्सप्लोरिंग न्यूमार का जो वाटर किंगडम है, उस टाइम जो गाना आता है कॉनला ब्रेसा, आई थिंक आई लव दैट सॉन्ग ब्रो. दैट सॉन्ग इज, यू नीड टू चेक दैट सॉन्ग, दैट सॉन्ग इज रियली फ्रीकिंग अमेजिंग. ये फास्ट पेस नहीं थी, पहली ब्लैक पैंथर की तरह स्लो थी. इसका एक्शन भी थकेला था, उस तरह नहीं था जितना पहला ब्लैक पैंथर का था. और जैसे जो पहले ब्लैक पैंथर में जो एड्रेनलिन रश था वो इस मूवी में नहीं है, लैक करता है. कुछ जो कैरेक्टर्स है वाटर क्रीचर वाले, उनकी लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आ रही थी. सो नहीं समझ में आ रही थी तो दिक्कत तो होगी ना. और उसमें मेरी ऑडियंस भी काफ़ी इरिटेट हो रही थी, मेरे हॉल की ऑडियंस की, यार उनको समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो लोग आपस में क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो अगर उनकी भी हिंदी डबिंग हो जाती तो ज़्यादा अच्छा लगता. मार्वल इज ट्राइंग टू मेक मूवीज सो दैट ही कैन मेक मूवीज दैट इज मोर अपीलिंग टू द LGBTQ कम्युनिटी. सो हमेशा जानबूझ के अब हर मार्वल भी अपनी हर मूवी में यू नो गे कैरेक्टर्स, लेस्बियन कैरेक्टर्स दिखाने लगा है. सो इस मूवी में भी दे शो अ ब्रीफ सीन ऑफ रोमांटिक लव एंगल, अ सजेस्टिव लव एंगल ऑफ ओयो एंड अनिका. सो या, सो ये था मेरा रिव्यू. वैसे ये मूवी कुछ खास नहीं है. येस, इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल्स एंड इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, बट स्टिल ये मूवी कुछ उतनी खास नहीं थी और कुछ मजा नहीं आया. मेरे को तो नहीं मजा आया. अगर आपको मजा आया तो बताना मुझे.